नमस्कार, आप सबका स्वागत है। कभी पंजाब के स्टार क्रिकेटरों में शुमार रहे मनप्रीत गोनी 4 जनवरी को 34वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक समय था जब गोनी महज 3000 रुपए महीने के स्टाइपेंड पर गुजारा करते थे। आज वही गोनी BMW जैसी महंगी कारों से चलता है। मनप्रीत गोनी का जन्म पंजाब के रूपनगर में 4 जनवरी 1984 को हुआ। उनकी फैमिली में उनके पिता सरवन सिंह, माँ मोहिंदर कौर, भाई मनमोहन सिंह और भाभी अमरदीप कौर शामिल रहे। इन्होंने क्रिकेट में करियर बनाने के लिए 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। गोनी ने परिवार के खिलाफ जाकर आर्किटेक्ट मनप्रीत कौर से शादी की थी। शादी के बाद से ही घर वालों का बर्ताव गोनी की वाइफ के साथ अच्छा नहीं था। इस वजह से इन्होंने अपनी फैमिली से रिश्ते खत्म कर दिए थे और अपने सास ससुर के घर शिफ्ट हो गए थे। 12वीं पास गोनी क्लब क्रिकेट खेलकर गुजारा करते थे। उन्हें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से 3000 रुपए का मंथली स्टाइपेंड मिलता था। उस मुश्किल वक्त में गोनी की वाइफ उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करती थीं। साल 2008 में गोनी का सिलेक्शन IPL और पंजाब की रणजी टीम में हुआ। यहीं से उनके अच्छे दिनों की शुरुआत हुई। साल 2008 में गोनी पहली बार पिता भी बने। उनकी वाइफ ने दिल्ली के हॉस्पिटल में एक बेबी बॉय को जन्म दिया था। यह खुशियां उनके पास ज्यादा नहीं टिकी। बच्चा हार्ट प्रॉब्लम के साथ पैदा हुआ था। महज 15 दिन बाद उसकी मौत हो गई। यह उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और IPL में शानदार प्रदर्शन किया। उसी साल गोनी का सिलेक्शन टीम इंडिया में भी हुआ। गोनी की लाइफ बेहतर हो गई थी। वे 2009 में दोबारा पिता बने और उनकी वाइफ मनप्रीत ने रणवीर नाम के बेटे को जन्म दिया। IPL के हैंडसम कॉन्ट्रैक्ट्स की बदौलत उन्होंने मोहाली में आलीशान घर बनवाया, जिसे उनकी आर्किटेक्ट वाइफ ने डिजाइन किया। साथ ही उन्होंने एक BMW और हार्ले डेविडसन बाइक भी खरीदी। 2013 में उनकी लाइफ में फिर से बड़ा चेंज आया। उनका वाइफ मनप्रीत से अलगाव हुआ और दोनों अलग हो गए। गोनी ने डिवोर्स केस भी फाइल किया, जो कि लगभग 3 साल तक चला। 3 साल तक अलग रहने के बाद दोनों 2016 में फिर से एक साथ हो गए। पिछले साल नवंबर में मनप्रीत ने गोनी की बेटी को जन्म दिया।